हाय एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिंडी छोले और भटूरे, इंस्टेंट भटूरे। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम छोले बनाने के लिए एक चाय का पानी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए एक बड़ी चम्मच चाय पत्ती, थोड़ी सी दालचीनी और दो तेज पत्ते, साथ में 5-6 लौंग। अब हम इसकी एक पोटली बना लेंगे धागे से बांध करके। मैंने 1 कप चने भिगोए थे, ये फूल करके 1 कटोरी जितने हो गए, तो उस 1 कटोरी चने में मैंने 2.5 कटोरी पानी डाला है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें वही हमारी पोटली चाय पत्ती की और थोड़ा सा नमक और 2 पिंच खाली बेकिंग सोडा, और हम इसे 4-5 सीटी आने तक पकाएंगे। तो छोलों में सीटी आए तब तक हम इसके मसाले देख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच यहाँ मैं ले रही हूँ अनारदाना। आपके पास अगर ये ना हो तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। फिर मैंने डाल दिया 1/2 छोटे चम्मच काला नमक, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी, 2 चुटकी हींग और नमक, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे छोले अच्छे से तैयार हो चुके हैं, 3-4 सीटी लग चुकी है। हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके देख लेते हैं कि छोले गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए आराम से चम्मच से प्रेस हो जा रहा है, मतलब छोले हमारे पक चुके हैं अच्छे से। अब हम इनका पानी और छोलों को अलग कर लेंगे। जो पोटली हमने इसमें चाय पत्ती में डाली थी ना, उसको भी निकाल करके डिस्कार्ड कर देंगे। छोलों को अलग रख लेंगे और जो पानी हम इसे फेंकना नहीं है, हम इसे आगे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ ले लिए हैं 2 छोटे प्याज और 3 छोटे टमाटर। हमें इसका पेस्ट बना लेना है। फिर एक कढ़ाई गरम करके इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। जब वो गरम हो जाएगा तो हम इसमें पहले प्याज का पेस्ट डालेंगे। फिर इसको हमें ढक करके 2-3 मिनट पका लेना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे अपने होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दिया और उसे भी अच्छे से भून लिया है। जब उसका तेल थोड़ा अलग होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले जो हमने तैयार किए थे, उसको भी हमें तेल अलग होने तक पका लेना है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए अपने छोले। उसको हम 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने जो चाय का पानी बचा के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। पहले हम 1/2 पानी डालेंगे, फिर इसे 1 बॉईल आने देंगे। जब 1 बॉईल आ जाए तो हम छोलों को थोड़ा सा मैश कर देंगे, क्योंकि पिंडी छोले में जो छोले होते हैं ना, थोड़े आधे मैश होते हैं आधे खड़े होते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा आलू, ये ऑप्शनल है, पिंडी छोले में आलू नहीं पड़ता है, पर हम लोग छोले साथ आलू खाते हैं इसलिए मैंने डाल दिया इसमें आलू। छोले मैश करने के बाद ना ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने उसमें बचा हुआ पानी भी डाल दिया है। और 1 बॉईल आने के बाद फिर उसे हम गैस से उतार लेंगे और हमारे छोले तैयार है। अब इसमें हम तड़का लगाते हैं। उसके लिए मैंने 2-3 चम्मच तेल ले लिया है, उसे गर्म करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है 3-4 कली लहसुन बारीक कटी और 1 हरी मिर्ची। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, इसे भी थोड़ा देर भूनना है। फिर गैस ऑफ करके हम इसे मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च और फिर इसको तुरंत हम अपने छोले के ऊपर डाल देंगे। और हमारे छोले पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से प्याज और बारीक कटे हुए अदरक से गार्निश कर देंगे इसे। हमारे छोले तैयार है। अब हम भटूरे की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव मैदे में 1/2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भिगोई हुई सूजी। फिर साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और हम इस आटे को पानी से नहीं सानेंगे, हम इस आटे को सानेंगे क्लब सोडा से। तो थोड़ा थोड़ा क्लब सोडा डाल करके हम इसे एक अच्छा नरम आटा बना लेंगे। आटा थोड़ा चिपचिपा रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना नरम आटा रहेगा उतने अच्छे आपके भटूरे बनेंगे। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया है, अब चलिए भटूरे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी सी लोई ले ली है आटे की और इसे हम बेलने के लिए ऑयल का यूज़ करेंगे। भटूरे फूलने के पीछे 2 मेन कारण होते हैं। पहला, आपका आटा नरम होना चाहिए और जो आप भटूरे बेलें वो एकदम पतली होनी चाहिए। और दूसरा कारण, आपका जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब उसमें से धुआं निकलना चाहिए उतना गर्म। तो जैसे आप भटूरे डालें तो उस समय तेल हाई फ्लेम पर रखिएगा, उसके बाद उसे आप लो कर सकते हैं। तो इससे आपके भटूरे फूल जाएंगे और मैं आपको बना बना के दिखा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही भटूरे फूलेंगे, मैं बहुत सारे भटूरे आपको बना के दिखा रही हूँ और हर भटूरा जो है वो फूल रहा है।
हमारे भटूरे लगभग तैयार हो चुके हैं। आपको कोई और रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम वो रेसिपी बना दूंगी। हमारे पिंडी छोले और भटूरे तैयार हैं, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।